तक क्या हाल चाल सबके। आज इतने दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो लेके आया हूँ इंडिया के फनी भूतों की, जिनकी कहानी और एक्टिंग स्किल्स देख के एक आम सूझवान बुद्धिमान आदमी के मन से सिर्फ यही आवाज निकलती, ये क्या है। तो चलो भाई बिना के देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंडिया के कुछ तड़कते भड़कते अनजान खतरनाक मनगढ़ंत घोष देखते हैं। जैसे कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज और उनके एजेंट इंश्योरेंस बेचते हैं और इंश्योरेंस बेच के मोटा पैसा भी कमाते हैं, वैसे ही हमारे पास एक ऐसा भूत भी है जो कि एक आम एजेंट की तरह ही इंसानी रूप में रात को लोगों के घर घर जाके इंश्योरेंस बेचता है। नमस्कार, मैं बीमा एजेंट। पर आप सोचेंगे कि आखिर एक भूत ऐसा काम क्यों करेगा, उसको ये काम करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो बात ये है कि भाई इसको भी तो अपने बीवी बच्चे पालने हैं, घर चलाना है। हाँ। और वैसे भी ये पूरा भूत नहीं, पार्ट टाइम भूत है और पार्ट टाइम इंसान। इंसानी जीवन जीने के लिए चाहिए पैसा, पैसा कमाने के लिए करना पड़ता है काम, और कमाने के लिए ही इस भूत ने चुनी है जीवन बीमा एजेंट की जॉब। शाबाश। तो ये करता ये है कि जो भी बंदा मर चुका होता है या फिर मरने वाला होता है, ये उसके घर पे जाके उनके घर वालों को लालच दिला के उनके अरमान जगाता है, फिर उनसे इंश्योरेंस के प्रीमियम का चेक लेके उनसे सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा के अपने घर आ जाता है। आपके प्रीमियम का चेक तो कल जमा होगा, और यूं समझे कि आपके बाबूजी की बीमा पॉलिसी आज से अभी से शुरू हो गई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में ऐसे भी दिमाग से हिले हुए लोग हैं क्या। हाँ। दुनिया का ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि आधी रात को किसी घर पे जाके इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता हो। कोई नहीं। मेरे पास बीमा की एक योजना है, भगवान ना करे अगर आपके पति आज ही मर गए तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। बैगन। ये कैसे लोग हैं जिनको इस बंदे, इसकी बातें और इसकी स्कीम के ऊपर 0.00001% भी शक नहीं हो रहा, और खुशी खुशी इसकी बातों में आके इसको पैसे देके एक मरने वाले बंदे का जीवन बीमा है करा ले रहे। बताओ। पर आपके मन में खलबली सी मच रही होगी कि एक बीमा कंपनी बीमार या फिर बूढ़े बंदों का बीमा तो करती ही नहीं, तो ये भूत कैसे और क्यों मरे हुए या फिर मरने वाले बंदों का बीमा है कर रहा, इसमें इसका और इसकी इंश्योरेंस कंपनी का क्या फायदा। क्या फायदा, यही तो ट्विस्ट है। ये जिस इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है वो की भूते कंपनी नहीं बल्कि इंसानों के द्वारा चलाई जाने वाली एक जेन्युइन कंपनी है, जिसका कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉई है, और ये भूत ये सारा का सारा कहारनामा अपनी सैलरी और अपने बोनस को बढ़ाने के लिए कर रहा है। ये 2 लाख का स्पेशल बोनस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मगर क्यों? क्योंकि जिन जिन भी मरे हुए बंदों का ये बीमा करता है वो जिंदा हो जाते हैं, और जो भी बंदे मरने वाले होते हैं वो कभी मरते ही नहीं, जिससे इंश्योरेंस कंपनी का कोई लॉस नहीं होता और इसको भर भर के बोनस मिल जाता है। और इसके मजे ही मजे। अब आपके जहन में ये सवाल उछल रहा होगा कि ये बंदा कैसे लोगों को मरने नहीं देता। तो ये करता ये है कि भूत बनके किसी भी जानवर की आत्मा को अपने ट्रांसपेरेंट बैग में ट्रांसफर कर लेता, और मर चुके या फिर मरने वाले बंदे के पास जाके उस आत्मा को उनकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता, और इस काले जादू को करके ये उनके शरीर में जान फूंक देता। और अगले ही दिन से इस काले जादू का बंदों के ऊपर असर दिखने लग जाता, और जिसके अंदर जिस जानवर की आत्मा है होती वो वैसा ही बन जाता, जिसकी वजह से कोई कुत्ता, कोई बिल्ली तो कोई इच्छाधारी नाग बन जाता। आजकल किसी भी सामान की डिलीवरी करवाना बहुत ही आसान हो गया है, पर आज के इस आधुनिक युग में एक ऐसा भूत भी है जो कि लोगों को स्पेशल अप्रोच करता है और उनको सोने के सिक्कों का लालच दे के उनसे अपने सामान की डिलीवरी करवाता है। हाईवे से लेकर जाना है तुमको। कौन हो तुम? कौन है का क्या मतलब? इसका थोपड़ा, वीफेक्स वाला जादू, सर पे सिंह, गर्मी के मौसम में मोटे वस्त्र और दिमाग की कमी को देखते हुए साफ साफ पता लग रहा है कि ये किसी टीवी शो का काल्पनिक भूत है। सही बात है। तुम्हें सिर्फ 100 सोने के सिक्के दो और क्या 1000 भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। जब ये भूत इस बंदे को ऑफर देता तो ये मना कर देता, फिर ये भूत अपना दूसरा पैंतर है अजमाता और इसके बच्चे को किडनैप करके इससे हाँ है करवाता, और आखिर में थक हार के ये मायूस बंदा डिलीवरी के काम को करने को राजी है हो जाता। इसको लेकर जाना है उस रास्ते से जो तुम्हें मैं बताऊंगा, और फिर ये भूत इस बंदे को बताता कि कौन से रास्ते से तुमको है जाना और डिलीवरी करके चुपचाप अपने रास्ते से वापिस है जाना। लेकिन भाई अगर इस भूत में दिमाग होता तो इतने महंगे सोने के सिक्के दे के इस बंदे से इतना सिंपल सा चिंदी सा काम न करवाता, यहाँ तो ये खुद ही डिलीवरी कर आता या फिर ओला उबर या पोर्टर से सस्ते दाम में करवाता। फालतू की इतनी मगजमारी करनी ही नहीं पड़ती, डिलीवरी करवाने में टाइम भी बचता और पैसा भी। जैसे हमारी दुनिया में अनगिनत भूतों की प्रजातियां रहती हैं, वैसे ही शायद कोई ऐसा ग्रह भी होगा जहाँ पे भूतों की अलग अलग प्रजातियां रहती हो। हाँ। तो ऐसे ही दूसरी दुनिया से भगौड़ों की तरह भाग के आने वाले राक्षस कम एलियन है ये लोग, जिनको कि इनके ग्रह का पुलिस वाला भौकाल ढूंढ रहा है। क्या 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 क्या? हाँ पुलिस, इनके ग्रह पे भी 4 तारों वाली पुलिस है जो कि इनको ढूंढ रही है, और इधर ये राक्षस लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के इंसानों की बस्ती में मस्ती करने के लिए इंसान बन के रह रहे हैं। पर एक दिन छोटा राक्षस खाना खाने के बाद डकार मार देता, जिसकी आवाज सीधा इनके ग्रह पे पहुंच जाती, और इस पुलिस वाले को पता है चल जाता कि आवाज धरती से आ रही। अभी बजा
टाइगर ना भिड़ो। आप सोचेंगे कि ये भूतिया पुलिस वाला इन लोगों को पकड़ने के लिए धरती पे आने के लिए किसी स्पेसशिप या फिर किसी रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, लेकिन नहीं, ये तो भूत है, ये तो उड़ के धरती पे आ जाएगा। बताओ, ये अपनी मायावी शक्ति से फ्लाई करके अंतरिक्ष का अंधेरा और धरती का सीना फाड़ते हुए धरती पे आ जाता, फिर आके ये धरती पे इन लोगों को ढूंढता और गलती से इस छोटे राक्षस को छोड़ के इन दोनों को पकड़ के अपने ग्रह पे ले जाता। बाद में राक्षस बच्चा अपने इंसानी दोस्तों को मना के उनके साथ एक प्लान बना के उनको अपने साथ इस ग्रह पे ले आता, और जैसे ही इनको ये पुलिस वाला दिखता है सबके सब उसके ऊपर पानी की पिचकारी मारने लग जाते हैं। खत्म हो गया भैया मैटर, अब क्या ही कहें, इतने से पानी से इन छोटे छोटे बच्चों ने इस अखंड भूतिया पुलिस वाले को ही मार दिया। वेल डन, क्या फायदा एक भूतिया पुलिस वाला होने का जिसको कि छोटे छोटे बच्चे ही मार दें। लानत, लेकिन एक बात ये समझ नहीं आ रही कि ये बच्चे इस दूसरे ग्रह पे आए तो आए कैसे, और अगर आ गए हैं तो सांस कैसे ले रहे हैं। पता नहीं भाई, ये इंडिया का भूतिया टीवी शो है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। जैसे कि इंसानों की दुनिया में इंसान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वैसे ही भूत भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और इंडिया के टीवी शोज में पता नहीं किन किन प्रकार के होते हैं, तो वैसे ही इनके पास है एक जुगनू दानव। हाँ जी, जो कि है जुगनुओं का सरदार, और इसको एक इंसानी लड़की से हो गया है प्यार। जब लड़की इसको मना है करती तो ये उसको डरा धमका के उससे शादी कर देता, और शैतान की कृपा से इनके यहाँ होता है एक बेटा, जिसकी मदद से जुगनू दानव इंसानों को मारने की सोचता है योजना। ये और मैं मिलकर मनुष्य जाति का विनाश कर देंगे। मगर क्यों? ये सारी मानव जाति को खत्म इसलिए करना चाहता क्योंकि इंसानों के द्वारा जुगनुओं को पकड़ के बोतलों में बंद करना इसको नहीं है गवारा। अच्छा, लेकिन इसने इतनी मेहनत की ही क्यों, जबकि इंसानों को परेशान करने का काम तो ये खुद भी कर सकता था, और अक्सर ये करता भी रहता था। तो भाई, शादी करके बच्चा पैदा करना, फिर उसी बच्चे की मदद से इंसानों को मारना, यह कैसा प्लान हुआ भाई? ये क्या बात है, ये जुगनू दानव जमीन पे पैदल चलता तो है ही, लेकिन लगता है ये दिमाग से भी पैदल है। ये है मुखोटे वाला भूत, जो कि किसी भी इंसान को अपने हाथों से मार के अपने हाथ नहीं करना चाहता गंदे। ये अपने इस जादुई मुखोटे को लोगों के चेहरे पे चिपका के उनकी आत्मा और बॉडी को चूस के गायब कर देता है धरती से, बंदी और बंदे। जैसे कि हर एक काम का एक कारण होता है, एक मकसद होता है, वैसे ही इस भूत का भी एक मकसद है, अपनी पत्नी को जिंदा करना। तो होता यह है कि इसकी पत्नी तपस्या कर लेकर बाबा जी को परेशान करती है, तो तंग होकर बाबा जी इसके मुखोटे जैसे चेहरे को मुखोटा बना के इसका बैंड बजा देते हैं। बैंड बजिया। और इसके भूत पति को समाधान बताते हैं कि जब ये किसी पूरे के पूरे परिवार के मेंबर्स को इस मुखोटे में समा देगा तो इसकी पत्नी आजाद हो जाएगी। हाँ जी, बताओ ये कैसा बाबा है भाई? समाधान ऐसा होना चाहिए था जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी और की वजह से कोई और तकलीफ में ना आए। इस हिसाब से जब ये भूत लोगों को इस मुखौटे में समा रहा होता है तो वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा होता। जब कानून बनाने वाला ही क्राइम करने की खुली छूट दे रहा है तो क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलो भी, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।